नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टाटा सफारी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिसंबर 2019 में टाटा ने सफारी को डिसकंटिन्यू कर दिया था BS6 नॉर्म्स के कारण, और उसके बाद टाटा ने एक नई गाड़ी लॉन्च करने की ठानी जिसका नाम था ग्रेविटस। लेकिन टाटा सफारी की हाई डिमांड के कारण टाटा ने ग्रेविटस को ही सफारी में कन्वर्ट कर दिया, और आज वही गाड़ी न्यू टाटा सफारी 2021 BS6 के नाम से लॉन्च होने वाली है। सो टाटा ने अभी रिसेंटली टाटा सफारी 2021 के स्पेसिफिकेशंस अनवील करे हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। क्या उसकी प्राइस होने वाली है, क्या उसके इंजन स्पेसिफिकेशन है, किन किन कलर्स में अवेलेबल है, और किन किन नए फीचर्स के साथ वो आपको देखने को मिलेगी। सो मेरा नाम है सुमित, और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इट्स सुमित कुमार में। तो दोस्तों, इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ओवरऑल लुक में ये गाड़ी कुछ कुछ टाटा हैरियर की तरह ही आपको दिखने को मिलती है। जैसा कि टाटा हैरियर लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, ये गाड़ी भी उसी पर बेस्ड रहने वाली है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये गाड़ी भी एक गाड़ी नहीं गाड़ा होने वाली है। बाकी यदि इसके कलर्स की बात करूँ तो ये गाड़ी भी आपको 3 कलर्स में देखने को मिलेगी, वाइट, ब्लू एंड ग्रे कलर। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ब्लू ऐसा कलर है जिसे कि टाटा हाईलाइट कर रहा है। आगे यदि हम इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में हमें 2 लीटर्स का क्रायोटेक टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन होगा। और इसके यदि पावर फिगर्स की बात करें तो ये 165 BHP की पावर देगा, और साथ ही साथ 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, जो कि सफारी के लिए काफ़ी अच्छा है और इसके नाम के साथ जस्टिफाई भी करता है। बाकी यदि इसके ट्रांसमिशंस की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही फिलहाल देखने को मिलेगा, इसमें ऑटोमेटिक वर्जन कम ही देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन अनिवील के साथ जो सबसे बुरी चीज़ लगी मुझे देखने के लिए पर्सनली, वो था कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव में नहीं बल्कि फ्रंट व्हील ड्राइव में देखने को मिलेगी। आगे यदि हम इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लें तो इसमें आपको 50 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ कमाल का एक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड कर देगा। आगे यदि इस गाड़ी के वेरिएंट्स की बात कर लें तो टाटा के सिग्नेचर स्टाइल में इसमें भी आपको कुछ वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, XE, XM, XT, XZ, XZ प्लस, और बाकी इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी लॉन्च करके अपडेट करवाएगी। और चाहें तो इसमें आप एक 6 सीटर का स्पेशल वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप 6 सीटर वाली ले सकते हैं और 7 सीटर का वेरिएंट अलग देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट चीज़ यदि इस गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको ABS के साथ 4 डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यदि हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इस गाड़ी में ABS हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ 6 एयरबैग ऑप्शनल देखने को मिल जाते हैं, एंटी थिफ्ट अलार्म और क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, और टाटा अपनी सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। सो आई होप कि ये गाड़ी भी 5-स्टार रैंक करेगी बाकी गाड़ियों की तुलना में। सेफ्टी के लिए तो हम टाटा पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। अगली चीज़ मुझे टाटा की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो टाटा के इंफोटेनमेंट सिस्टम। चाहे आप टियागो ले लें, टिगो ले लें, अल्ट्रोज ले लें, या फिर कोई और गाड़ी हैरियर जैसी हाई एंड गाड़ी या हेक्सा भी ले लें, तो टाटा ने हमेशा सबसे अच्छे बेस्ट इन क्लास इंफोटेनमेंट सिस्टम हमेशा से हमें प्रोवाइड किए हैं। सो इस गाड़ी में भी प्रोबेबली हरमन कार्डोन का म्यूज़िक सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसे कह लें आने की संभावना है, जो कि एक 8.8 इंच का टच स्क्रीन पैनल के साथ आएगा, और जिसमें कि आपको 9 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, ऑब्वियसली इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी लास्ट में यदि इसके प्राइस की बात कर लें तो यह गाड़ी आपको 14 लाख से शुरू होकर 22 लाख हायर वेरिएंट तक आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये एक अंदाजन प्राइस, जब ये लॉन्च होगी, जब इसके प्राइस अनवील होंगे तभी इसका पता चल पाएगा। बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं चैनल पर जल्द ही नई एक टाटा सफारी वर्सेस स्कॉर्पियो का एक कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आज के टाइम पे आपके लिए टाटा सफारी और स्कॉर्पियो में से कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे पॉपअप में शो हो रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं
मैंने लगभग अपनी तरफ से सारे फीचर्स जो जो अनवील हुए हैं उन्हें बताने की कोशिश करी है। यदि कोई फीचर छूट गया होगा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।